पीजी वेलकम सी यू इन पीजी पॉइंट। तो बहुत दिन से आप लोगों को इंतजार था कि मैम बीएड के लिए बुक्स बताइए। तो देखिए आपके सामने मैं बुक्स लेकर के ऑलरेडी आ गई हूँ, शैक्षिक निर्देशन एवं परामर्श, जो आपकी किस पब्लिकेशन के, तो मैं आपको बता दूँ ये आपकी ठाकुर पब्लिकेशन की बुक्स हैं जो कि आपकी मार्केट में अवेलेबल हैं, ठीक है। इनका जो कोर्स है वो बहुत ही अच्छे से डिज़ाइन किया गया है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं यूनिट वाइज। मैं आपको भी हिंदी में दिखा रही हूँ, इसके बाद मैं इंग्लिश में दिखाऊंगी और एट द एंड ऑफ द सेशन तक बने रहिएगा, ये भी बताऊंगी कि क्लासेस आपकी कब से शुरू कर रहे हैं, ठीक है। तो देखिए शैक्षिक निर्देशन एवं परामर्श की यदि मैं बात करूं तो पहले यूनिट वन पढ़ाएंगे हम आपको निर्देशन की इंग्लिश में, इसके जस्ट बाद बताती हूं, जिसमें हम आपको निर्देशन का अर्थ, प्रकृति, आवश्यकता, महत्व, लक्ष्य, कार्य क्षेत्र एवं सिद्धांत के विषय में, उसके बाद में भारत में निर्देशन आंदोलन और क्रांति का विकास इसके विषय में पढ़ाएंगे, फिर निर्देशन के प्रकार जैसे कि शैक्षिक, व्यावसायिक और व्यक्तिगत के बारे में। उसके बाद में आएगा चैप्टर आपका परामर्श का, जिसे आप काउंसलिंग कहते हैं। परामर्श का अर्थ, प्रकृति क्या होती है, इसकी क्या आवश्यकता होती है, क्या महत्व होता है, क्या लक्ष्य होता है, क्या कार्यक्षेत्र और सिद्धांत होते हैं वो पढ़ाएंगे। उसके बाद में परामर्श के क्या प्रकार होते हैं, जैसे निर्देशक, गैर निर्देशक एवं संग्राही या समाहारक, इस तरीके से ये चीज़ें कवरअप करवाएंगे। उसके बाद में इसी का एक चैप्टर होगा यूनिट का निर्देशन एवं परामर्श की प्रविधियाँ, ठीक। इसी तरीके से फिर हम लोग कवरअप करेंगे यूनिट 3 आपकी, जिसमें परामर्श कार्मिक के अंतर्गत आपको सिद्धांत, परामर्शदाता, काउंसलर, शिक्षक, शारीरिक शिक्षा, ये सब चीज़ें हम करवाएंगे आपको। वार्डन, लाइब्रेरियन, मेडिकल स्टाफ, ये आपका परामर्श कर्मचारी के अंतर्गत। एक परामर्शदाता के रूप में माता पिता, असाधारण बालकों के लिए निर्देशन एवं परामर्श कितना आवश्यक होता है, क्या चीज़ें होती, समूह गति की, ये सब पढ़ाएंगे। उसके बाद में आपकी यूनिट फोर के अंतर्गत विद्यालय निर्देशन सेवाओं के संगठन की बुनियादी अवधारणाएं, ये सब आप जैसा कि देख पा रहे हैं पूरा डिटेल्ड सिलेबस है ना। इसी तरीके से आपकी यूनिट 5 है, उसके बाद में हम आपको बता दें इंग्लिश में जिनको देखना हो वो देख सकते हैं, गाइडेंस का क्या मीनिंग होता है, नेचर क्या, नीड है, इंपॉर्टेंस है, ये इस तरीके से बाइलिंगुअल सिलेबस इसमें इन्होंने दे रखा है। अगर डिटेल्ड सिलेबस की एकदम बात करेंगे तो जैसा आप देख पा रहे हैं निर्देशन, तो सबसे पहले आपको हम जैसे 1.1 पढ़ाएंगे, तो 1.1 में आपको देखो निर्देशन का प्रत्यय क्या होता है, निर्देशन का अर्थ, परिभाषाएँ क्या होती हैं, इनकी प्रकृति क्या होती है, ये सब चीज़ें हैं इसके अंतर्गत, ठीक। उसके बाद में फिर इसी तरीके से चैप्टर नंबर 1.2, इसी तरीके से 1.3, 1.4 और ऐसे करके 1.6 तक जब आप पढ़ लेंगे तो आपकी यूनिट कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद में फिर देखिए यूनिट 2 में क्या है, 2.1 की में इतने सारे टॉपिक्स हैं, फिर 2.2 में देखिए परामर्श के प्रकार में इतने सारे टॉपिक्स हैं, फिर 2.4 में आप जैसा कि देख पा रहे हैं 2.6 यहां से कंप्लीट करने के बाद में आपकी यूनिट 3 शुरू हो जाएगी। इसी तरीके से यूनिट 3 जैसे ही आप कवर अप करेंगे यूनिट 4 आपकी आ जाएगी, और यूनिट 4 कवर करने के बाद में यूनिट 5 जो आपके लास्ट यूनिट रहने वाली है इस बुक की। हालांकि सब्जेक्टिव है थोड़ा सा, तो मतलब जब हम सब्जेक्टिव के तरीके से आपको पढ़ाएंगे तो थोड़ा सा डिटेल्ड क्लासेस लेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। तो मैम इनकी टाइमिंग क्या रखने वाली हैं, आप टाइमिंग बता दीजिए। हमने कहा देखिए इसकी टाइमिंग आपकी रखेंगे हम क्लास की रात को 10:30 बजे। कितने बजे? रात को 10:30 बजे रखेंगे। अगर मैम हमें इसकी PDF चाहिए तो हमें क्या करना पड़ेगा, तो आपको एक काम करना पड़ेगा, अभी ही हमारे पीजी पॉइंट एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लीजिए, वहाँ पर आपको इसकी PDF डेली क्लासेस की प्रोवाइड करवाने का प्रयास करेंगे, ठीक है। उसके बाद में मैम और क्या कर ले, हमने कहा और कुछ नहीं करना है आपको, पीजी पॉइंट टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाओ, वहाँ आपको रोज क्लासेस का लिंक मिल जाया करेगा, तो वहाँ से जुड़ जाया करिएगा, ठीक। 3 बातें हो गई। उसके बाद में मैम हम लोगों की एग्ज़ाम, हमने कहा देखो जो भी नोटिफिकेशन आएंगे, जो भी ऑफिशियल लेटर्स आएंगे, उन सब के जो है हम शुरू करेंगे। अगर आपको टाइमिंग से कोई दिक्कत है या आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, हम आपकी जो भी आपकी दुविधा है उसको दूर करने का प्रयास जरूर करेंगे। लेकिन अभी आपको एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ने की ज़रूरत है, अच्छे से पढ़ने की ज़रूरत है। भले मुझे एक यूनिट कंप्लीट कराने में 20 डेज लग जाए, 15 डेज लग जाए, बट ये मान के चलिए प्रॉपरली चलेंगी क्लासेस, ठीक है। नो एब्सेंट, नो एनीथिंग, विद डिस्क्रिप्शन एकदम प्रॉपरली समझाने के बाद में ऐसा करके हम लोग करेंगे क्लासेस। तो अगर आपको ये डिटेल्ड सिलेबस चाहिए तो ये डिटेल्ड सिलेबस भी आपको हम पीजी पॉइंट एप्लीकेशन पे प्रोवाइड कर रहे होंगे, तो आप अभी ही पीजी पॉइंट ऐप को इंस्टॉल कर लीजिए, वहाँ पर आपको ये सिलेबस वगैरह सब दे देंगे रोज, ठीक। तो ये ठाकुर पब्लिकेशन, देखिए मैं इसीलिए आपकी क्लासेस नहीं कर रही थी, क्यों, क्योंकि मुझे पता था कि अगर अभी क्लासेस शुरू कर देंगे, पुरानी तो बहुत सी बुक्स थी लेकिन इनकी ये बुक्स जो हैं वो एकदम न्यू आई है मार्केट में, जिससे है क्या कि जो एकदम अभी NEP 2020 के अकॉर्डिंग सिलेबस है उसके अनुसार हम आपकी क्लासेस चलाएंगे, ठीक है। हमने आपको फर्स्ट सेमेस्टर में इसी से पढ़ाया, सेकंड सेमेस्टर इसी से पढ़ाया, इवन थर्ड सेमेस्टर भी इसी पब्लिकेशन से पढ़ाने जा रहे हैं, क्यों, क्योंकि मुझे फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर का रिस्पॉन्स बहुत अच्छा मिला है, डेट्स वाई।
ठीक है, तो करेंगे हम सेशन को यहीं से एंड। अगर आप क्लासेस के लिए तैयार हैं तो आज कमेंट सेक्शन में ज़ोरदार तरीके से आपको कमेंट करने हैं, ठीक है। तो हमेशा खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, कभी अपने लिए तो कभी अपनों के लिए। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।